इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बलराम शहर के दारुल कज़ा में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ एक ताजिक इजलास मुनक़द किया गया है। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब का इंतकाल आज हुआ है। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब बड़े इल्मी दानिशवरों में उनका शुमार है। वह हदीस बुखारी हदीस पढ़ाया करते थे दारुद्दोबंद में। दारुद्दोबंद के कई सारे तबाक, कई सारे आलिम मुफ्ती और कई सारे इल्मी दानिशवर लोग उनके जेर निगरानी तरबियत पा चुके हैं। कई सारे यहाँ पर मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं। बलराम शहर के काफ़ी मारूफ हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं और वो आज ताजियत इजलास उन्होंने मुनक़द किया है कि उम्र तकरीबन 80 थी और एक तवील अरसे से वो बीमार भी थे, जिसके तहत उनका इंतकाल आज हुआ है। लिहाजा इस ताजियत इजलास में हमने भी शिरकत की है और वो आज यहाँ पर उनके हक में दुआ फरमा रहे हैं और बेलगाम वालों की दुआ करने उन्होंने गुजारिश की। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए मौलाना आरिफ इनामी साहब के ज़रिए से मुझे इत्तला मिली कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी उस्ताद शेख उल हदीस दारुल उलूम देवबंद मैं अपने इब्तदाई तालीम के ज़माने से जानता दारुद्दोबंद में 1961 में मैं इब्तदाई तालीम ज़ेर तालीम था। दारुद्दोबंद में पढ़ रहा था उस ज़माने में, ये दौरे में ज़ेर तालीम थे। तालीम के ज़माने ही से वो ज़्यादा मेहनत और ज़हीन थे। दौरे में वो आला नमरात से कामयाबी हासिल की, यूँ समझिए कि वह इल्म व फ़ज़्ल के गोहे गिरां थे। तक़वे का नूर और नेकोकारी उनके पेशानी से झलकता था। आपका तफसीर व हदीस पढ़ाने का अचूक अंदाज था, शगुफ्ता लहजा था, दिल में उतारने का खूबसूरत सलीका, फिर वसअत मुताला, इल्मी गहराई गहराई, फ़नी मोशगाफियाँ, वो नुक्ता संजियाँ, वो किताब नहीं यूँ समझिए कि वो फ़न पढ़ाते थे और बात को तलबा के दहन में जो है बहुत कम नसीब होते हैं समझाते थे। और हम दारुल देवबंद के लिए भी ये दुआ करते हैं, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करे, उन जैसा या उनसे बढ़कर कोई सेहत हदीस नसीब फरमाए। और हम अपने बरादरान इस्लाम से दरख्वास्त करते हैं ऐसे आलिमों को अल्लाह ताला पैदा करते रहे और दीनी इदारों के अंदर काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहायती गम के साथ ये तमाम अहले बेलगाम और तमाम ज़िले के अवाम और तमाम उलमा इकराम को ये ख़बर दी जाती है कि हमारे हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह आज सुबह दुनिया से तशरीफ़ ले गए और इस दार फ़ानी को छोड़कर हमें दागे फरागत दे गए। ये आज दुआ करते हैं हज़रत के इंतकाल पर, अल्लाहुम्मा अजिरना फ़ी मुसीबतिना वख़लुफ़ ली खैरम मिन्हु। ए अल्लाह, हमें हज़रत का बेहतरीन से बेहतरीन नियामुल बदल अता फरमा और पूरी उम्मत को ऐसा एक दुनिया से सितारा गुरूब हो गया है कि इसका नियामुल बदल और इस जैसा नमूना उम्मत को मिलना बहुत मुश्किल है। हम भी जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, हज़रत मौलाना मुजम्मिल साहब हैं और मैं हैं, तकरीबन 2010 में हम वहाँ पर तालीम हासिल किए तो हज़रत का वो दूसरा साल था। 2009 से हज़रत ने बुखारी शरीफ पढ़ाना शुरू की। तकरीबन 30 से 35 साल तक हज़रत ने हदीस का दर्स दिया है दारुल उलूम देवबंद के अंदर, यानी निसफ सदी 50 साल तक हज़रत ने इल्म हदीस की खिदमत की है। अल्लाह ने इतना बड़ा हज़रत से काम लिया, बड़े सादगी के साथ आते,
जब दारुलूम में आते तो रिक्शे में बैठकर आते, अक्सर तो पैदल चलकर ही आते। और पान खाते हुए हजरत का एक अपना अंदाज था, मोलसरी में आते और पान कुल्ली करते और हजरत आकर दारुल हदीस में बैठते, और तलबा हजरत के आने से पहले पूरी दारुल हदीस भरी हुई रहती थी। ये हजरत से तमाम उलमा की मोहब्बतें हैं। हम बयान नहीं कर सकते हजरत के कुर्बानियों को। अल्लाह ताला हजरत को जजाए खैर अता फरमाए। पूरी उम्मत की तरफ से और ख़ास उलमा की तरफ से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हजरत को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। शेखुल हदीस और बड़े दर्जे के उस्ताद आज दुनिया से रुख्सत हुए हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सही साहब पालनपुरी, अल्लाह ताला आपको में आला मकाम नसीब फरमाए और आपके अहले खाना, आपके औलाद और आपके रिश्तेदार और आपके मुतालिकीन को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दारुल देवबंद को और पूरी उम्मत को आप जैसा नामुल बदर नसीब फरमाए। और आखिर में दरख्वास्त है कि रमज़ान का मुबारक महीना है, पूरे ज़िले के ज़िले बेलगाम के मुसलमानों से और पूरे दुनिया के मुसलमानों से दरख्वास्त है कि हज़रत वाला के लिए दुआओं का अहतमाम करें। इनका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, तसनीफ़ के एतबार से, खिताबत के एतबार से, और मौके पर मौका बर महल हमारी हिदायत और हमारी रहबरी के एतबार से इनके एहसान गिनाए नहीं जा सकते हैं। तो हमारा फरीज़ा बनता है कि इनको अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखा जाए, इनके लिए दुआएँ की जाए। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए और इनको अपनी दुआओं में याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हज़रत का इंतकाल 2020 में, गोया आपकी उम्र 80 साल की थी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है गुजरात ही के इलाके में हासिल की, फिर आपने आला तालीम हासिल करने के लिए मज़ाहिरुल उलूम में भी आपने पढ़ा और फिर उसके बाद मुकम्मल तालीम आपने दारुल उलूम देवबंद से की। हज़रत तमाम उलमाए कराम के समझो के उस्ताद हैं। शेखुल हदीस रहे, दारुल उलूम के अंदर सदर मुदरिस रहे और इसी तरीके से दारुल उलूम में जो ख़त्मे शोबे नबूवत का जो शोबा था उसके नाज़िम आला रहे। अल्लाह ताला ने आपको बेबाकी दिया था। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार ज़ियारत की और हज के लिए भी तशरीफ़ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का पहला हज अपनी अहलिया के साथ हुआ और दूसरा हज जो ने आपने सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से हज बदल किया। तीसरा हज आपने भी किया और फिर उमरा किया। आपकी कई दिनों से तबीयत नासाज थी और उसके बाद इस रमज़ान के मुबारक महीने में 25 रमज़ान को आपका इंतकाल हुआ। हम सब बेलगाम के तमाम उलमा की तरफ से और तमाम बाशिंदों की तरफ से और जमीयत उलमा की तरफ से और हमारे दारुल क़ज़ा की तरफ से, दोनों जमीयतों की तरफ से, तमाम अहबाब की तरफ से हज़रत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की मगफ़रत फरमाए, हज़रत के मुतालिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें राहत अता फ़रमाए। जो हदीस का जो बुखारी शरीफ उन्होंने पढ़ाई है, तिरमीज़ी उन्होंने पढ़ाई है, इन बुखारी और तिरमीज़ी में जितने भी हरूफ़ हैं वो हरूफ़ के बक़दर अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। तदफीन हज़रत की बम्बई में हो रही है, वहीं पर हज़रत का इंतकाल हुआ, तो बस एक बड़ा मजमू उनकी तदफीन में शरीक नहीं हो सकता। यहीं बैठ कर हम दुआ करेंगे रमज़ान में कि अल्लाह ताला हज़रत की बाल बाल मगफ़रत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اے اللہ اس کا پورا ثواب امت مسلمہ کے ارواح کو اور خصوصا حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنام بٹی کے روح کو پالن پوری پرنام پر حضرت مفتی احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔